प्रदेश भी और हमारा जिला कांगड़ा भी इससे प्रभावित हुआ है। बीच में लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू लगाया गया और उसके कारण सारी की सारी गतिविधियां स्थिर हो गई, रुक सी गई, ठहर सी गई। देश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को, माननीय मुख्यमंत्री जी के का जो आह्वान था उसको अक्षरशः अपनाया, क्योंकि एक ही संदेश था, जान है तो जहान है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब ये फैसला किया है कि लॉकडाउन खुला है और आर्थिक गतिविधियां, बाजार खुलना शुरू हो गए हैं, लोक निर्माण, आईपीएच व अन्य विभागों में भी काम शुरू हो गए हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के हर जिला में जाकर के इसकी समीक्षा की जाए, रिव्यू किया जाए और आज सबसे पहले जिला कांगड़ा में रिव्यू मीटिंग रखी गई है और इसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, इसलिए आज मैं धर्मशाला आया हूँ। टांडा अस्पताल के कुछ समस्याएं भी सामने आ रही थी कि कुछ पोस्टें जो है वे भरी जानी है और कुछ एसी का दिक्कत जो है वे बड़ी ज्यादा आ रही है, डॉक्टर्स को काफी काम करने में समस्या आ रही है। वैसे तो आज अभी तक लोक निर्माण विभाग का, फॉरेस्ट विभाग का, टूरिज्म विभाग का, टांडा मेडिकल कॉलेज का इत्यादि विभागों का, नेशनल हाईवे का रिव्यू हुआ है और रिव्यू में ये बात आई है कि चाहे वो PMGSY के तहत सड़कें बननी हैं, चाहे नवाड के तहत सड़कें बननी हैं, चाहे AMP एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम में सड़कों का मेटलिंग होनी है, एनुअल सर्विसिंग होनी है, इत्यादि अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हुई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रिव्यू मीटिंग जब शुरू हुई तो सबसे पहले कोविड के ऊपर लगभग एक घंटा चर्चा हुई है कि आज देश के परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश कोरोना के इस अवस्था में कहां पर खड़ा हुआ है और जब से ये कोरोना हिमाचल प्रदेश में आया है उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितनी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, आज के परिदृश्य में हम कहां पर हैं, इत्यादि मुझे इतना ही कहना है कि इस कोरोना के कारण आम व्यक्ति प्रभावित हुआ है, परंतु कोरोना के बढ़ते हुए कदमों को हमारे प्रशासन ने, डॉक्टर्स ने, सफाई कर्मचारियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, स्टाफ नर्सिस ने, पुलिस कर्मियों ने अपनी मेहनत और अपने धैर्य हिम्मत के साथ रोका है। भाई मृत्युंजय पुरी जी ने एक प्रश्न पूछा है कि टांडा मेडिकल कॉलेज के बारे में भी आज चर्चा हुई है। चर्चाएं तो अलग अलग सभी विभागों की हो रही है, परंतु मुझे ये बताते हुए बताना चाहता हूं कि वहां पर जो वेंटिलेटर हैं आज की तारीख में 27 बिल्कुल अपडेट है, लगभग 4 वेंटिलेटर्स का और टेंडर कर दिया गया है। जो हमारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला है वहां पर भी वेंटिलेटर्स 5 रखे गए हैं, वहां पर MRI मशीन्स है, सिटी स्कैन्स है, हेप्टोलॉजी डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इत्यादि ऑडिटोरियम्स हैं वहां पर। पूरे मेडिकल कॉलेज को 4 दीवारी लगाने की बात है, स्टाफ क्वार्टर्स बनाने की बात है, इत्यादि पहलुओं पर आज यहां पर चर्चा हुई है। मैं यही कहना चाहता हूं। सर, COVID-19 के चलते टांडा मेडिकल कॉलेज में आप का कुछ सुझाव ऐसा था कि भी इसमें अपग्रेडेशन, जो हमारे वहाँ उपकरण है उनका कोई अपग्रेडेशन निकट भविष्य में किया जा रहा है या प्रपोज्ड है, तो क्या प्रपोजल है ऐसी और कौन कौन से ऐसे उपकरण जो हैं जो नई टेक्नोलॉजी आप लाने जा रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में? एक तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण है। यहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज में जैसे वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है, वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं और वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड भी एक रखा गया है कि ऐसी परिस्थिति होती है अगर वहाँ पर एकदम से दबाव आता है तो ऐसे पेशेंट्स को वहाँ पर रखने की व्यवस्था की गई है।
वेंटिलेटर को अपडेट कर दिया गया है और जो पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, फेस शील्ड्स हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। जब व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो जो व्यक्ति उपचार करता है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, उसको भी वो पीपी किट चाहिए, वो भी पूरी व्यवस्था वहां पर बनाई गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और बहुत से सुझाव आए हैं आने वाले दिनों में कि क्योंकि हम फेज टू में, हो सकता है कि ये वायरस कम्युनिटी में आए, अभी तक पहुंचा नहीं है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए भी हमारे जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूशनल कोविड सेंटर्स और खोले जाएं, वहां पर कोविड सेंटर्स और खोले जाएं, वो भी पहचान यहां पर हो रही है। सर, सांसद महोदय ने भी जो कोविड 19 के लिए 50 लाख की राशि जारी की थी, तो उससे क्या उपकरणों की खरीद हुई है, नए वेंटिलेटर आदि इत्यादि खरीदे गए हैं कांगड़ा में? उन्होंने भी, और बहुत से हमारे प्रदेश के जो सांसद हैं और कुछ विधायक भी हैं, उन्होंने भी अपनी विधायक निधि और सांसद निधि से धनराशि दी है। और एक प्रक्रिया के तहत टेंडर प्रक्रिया होती है, और उस टेंडर प्रक्रिया में जो जरूरत है उस इंस्टीट्यूशन की, उसको खरीदा जाता है, चाहे वो पीपी किट्स हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो ग्लव्स हैं, चाहे वो सैनिटाइजर्स हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उस आवश्यकता के अनुसार प्रोक्योरमेंट कमेटी जो बनी है वो उसको परचेज करती है। तो टीएमसी में सर इतने नए वेंटिलेटर खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो कितनी वहां वेंटिलेटरों की संख्या जो अब होगी? अभी तक तो 27 हो गए हैं, और मेरी जानकारी के अनुसार 4 वेंटिलेटर्स के और टेंडर 35 के लगभग हो जाएंगे। सर, कांगड़ा में जो शिमला में जो विधायक दल की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ रोष जो है कांगड़ा का सामने आया था, जो एक ज्वाला जी के विधायक हैं बीजेपी के, उनका जो है एक रोष सामने आया था कि संगठन और जो पार्टी है उन दोनों का आपस में जो है तालमेल इस तरह का नहीं बैठ पा रहा है, किस तरह देखते हैं और स्थिति में किस तरह जो है आगे बढ़ा जाएगा? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो खबरें अखबारों में छपी हैं, और हमारे माननीय विधायक ज्वालामुखी ने कुछ बातों को उजागर किया था, मैं उसको उचित नहीं मानता। उन्होंने श्री पवन राणा जी के बारे में कहा था, पवन राणा जी प्रचारक हैं, कई वर्षों से पार्टी के काम में दिन रात अपना जीवन खपा रहे हैं, जीवन लगा रहे हैं, तो ऐसे वक्तव्यों को कहीं किसी स्थान पर बोलना ये उचित नहीं है, मैं इसको उचित नहीं मानता। हाँ, किसी को कोई शिकवा है, गिला है, तो हर जगह उस बात को रखने का एक स्थान है, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा यही आग्रह है। सर, कांगड़ा में एक बैठक हुई थी जिसमें सांसद महोदय थे, उसके बाद जो है वो नगरोटा बगवा में काफी उबाल रहा राजनीति को लेकर, तो नहीं, उबाल राजनीति में चलते रहते हैं, कार्यकर्ता बैठते हैं, नेता बैठते हैं, उसमें कोई बात नहीं, वो बैठे होंगे तो अच्छी बात है। क्यों प्रेम जी बोल रहे थे, चुप, गल क्या है?